हम दो एक्सरसाइज करेंगे। दो एक्सरसाइज में जिसका ज्यादा लैपटॉप या ज्यादा माउस यूज करके जिसका गर्दन अकड़ गया है या तो जिसका गर्दन बहुत आगे है वो ये एक्सरसाइज लॉकडाउन में 10 दिन करके वो पॉस्चर बेहतर बना सकता है। तो इसमें आप टॉवेल यूज कीजिए। घर बैठे बैठे हम बहुत सारा वर्कआउट कर सकते हैं। तो जो लोगों का ज्यादा कंप्यूटर यूज करके जिसका गर्दन आगे झुक गया है या तो ज्यादा मोबाइल यूज करके जिसका गर्दन आगे झुक गया है उसके लिए पॉस्चर करेक्टर वर्कआउट बोल सकते हैं इसको। तो आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे पास प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, हम मोबाइल से शूट करके ही दिखा रहे, तो थोड़ा क्षमा कीजिएगा। तो पहले मैं आपको आगे से ये रुमाल इसलिए रखा है कि आपका जो नाक है यानी आपका फेस है वो नीचे टच नहीं होना चाहिए। फर्स्ट हैंड स्ट्रेट, बॉडी ये चीन ऊपर होना चाहिए एंड टर्न टच एंड बैक, टच एंड बैक। आप इसका 10 रिपीटेशंस कर सकते हैं। लगा ऊपर की फुल बॉडी। 3, 4, 5 और फेस ट्राई कीजिए डाउन रखने के लिए। 7, 8 एंड ट्राई कीजिए फास्ट ना करें और स्लोली कीजिए एंड स्लोली आपको पाम टर्न करना है पाम। दूसरा एक्सरसाइज है जिसमें आपका जो बॉडी है वो टेबल पोज में होना चाहिए और आपका जो सर है वो नीचे होना चाहिए। तो ये जो है उसमें उससे भी आपका जो पोस्चर का प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। इसमें आपको हिप जितना बढ़े उतना ऊपर, पेट ऊपर की तरफ खींचना है और हाथ सीधा करना है एंड ड्रॉप। तो आपको अगर नैरो नहीं जम रहा है वाइड कीजिए, फिंगर्स स्प्रेड एंड साइडवेज एंड आप 10 काउंट्स होल्ड करके फिर आप वापस एक्सटेंशन के लिए सेम थिंग एंड फिर ये 10 करके वापस। अगर आपको लगता है कि टेबल पोज है, ये जो टेबल पोज है वो इजी है तो आप एक्सटेंड कीजिए एंड आप, बट आपको नीचे आपका जमीन दिखना चाहिए। ये टर्न करके आपको जमीन के वहां पे आपको नजर डालना है। तो इससे आपका जो शोल्डर है वो प्रॉपर, आपका जो नेक है वो स्ट्रेट हो जाएगा। और ट्राई कीजिए, अवॉइड कीजिए कि आप मोबाइल ऐसे नीचे रख के यूज कर रहे हैं, आप ट्राई कीजिए ऊपर मोबाइल ऐसे रख के यूज करने के। थैंक यू।